वही हास्य पर बड़ा खिसक रहा होता। अवांछित निरी दीनहीन इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिशत हास्य पर देखता हुआ भर जाता है, पर मैं उनमें से नहीं। खैर छोड़िए उस पुराने किस्से को, अब तो मैं केंद्र में हूं। केंद्र में हास्य पर होने का अर्थ समझते, हास्य पर होने का अर्थ है दूसरों की आंखों से बरसते घृणा उपेक्षा और नफरत के बाणों की लगातार बरसती आपको झेलना। पर अब तो केंद्र में मैं, मेरा इसका उसका इतना अनुभव हो जाता है कि उसे हाशिए पर खड़ा हर आदमी नाली में देखता और किड़ा और गटर में बहती गंदगी पर बैठा कामना सकता है। आप हाशिए पर खड़े एकलव्य, हाँ एकलव्य के दर्द को समझते हैं, जानते हैं आप उस बेचारे के साथ क्या हुआ था उसके साथ, क्या कसूर था उसका, क्या गलती हुई थी उससे। यही ना कि उसने अपने आप को केंद्र में स्थापित करने का सपना देखा था। अरे गरीब दलित अहसाय अनाथ को सपना देखने का भी अधिकार नहीं है क्या? जब एक अंधे को सपने देखने का, 100-100 संतान पैदा करने का, राज सुख पाने का, भाई भतीजों की सारी संपत्ति हड़पकर सुख साधन संजोने का अधिकार, सदा से यही चलत रहा है इस तथाकथित सभ्य मानव समाज का। वो कभी धर्म, कभी जाति, कभी कुल गोत्र और कभी काले घोड़े की आंख लेकर सपने देखने वालों को मार मार कर अधूरा कर देता है, इस तरह से अपंग अभिशप्त कर देता है कि लेकिन आंखें फोड़ लेने से या आंखें निकाल लेने से सपना नहीं मरता। इसी तरह एकलव्यहीन आदमी नहीं था, वो हाशिए पर रेंगता एक मात्र आदिवासी नहीं था, वो एक सपना था जो आज भी जिंदा है, बीते कल में भी जिंदा था और आने वाले कल में भी जिंदा रहेगा। यही नहीं, आसपास बाहर भीतर वो निरंतर उठेगा, अपनी मट्टी से बाहर बार अंकुरित होगा और इस सतरंगी आकाश में उड़कर अपनी उड़ान, अपनी उठान आसमान के सीने में दर्ज करेगा। सारी बाधाओं, सारे बंधनों, सारे विरोधों के बावजूद हाशिए पर उठते सपने फिर बार बार उठते जीते मरते रहेंगे, अपने बार बार उठते रहेंगे और इतिहास में स्वयं को स्थापित करेंगे। और फिर मेरे छोट भैये ने भी क्या खूब कहा था, एक लव्य का अंगूठा इतिहास को महंगा पड़ा है, वो देखो आज तक द्रोण कटघरे में खड़ा है, कटघरे में खड़ा है। लेकिन अब तो मैं खेल में हूं, फिर बार बार अतीत की तरफ मुंह कर मैं बड़बड़ाने लगता हूं। शायद वो प्रताड़ित, वो अभिशप्त अश्वत्थामा आज भी मेरे भीतर जिंदा है। शायद हां, शायद नहीं। हां, जब अपने भीतर झांकता हूं तो मेरा यह निश्चय और भी पक्का हो जाता है। तब मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ रेखांकित करके कहने लगता हूं कि हां मेरे भीतर ही नहीं, हर इंसान के भीतर एक अदत प्रताड़ित अश्वत्थामा आज भी चक्कर काट रहा है। वही अश्वत्थामा जो अपने समय के भगवानों के हाथों घायल अभिशप्त किया गया। सोचता कि क्या कोई जाति अपने गुरु पुत्र के साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हां हर युग में हर जाति अपने हितों पर आ जाते देश जगन्य से जगन्य अपराध।
ये सब कह सकते सब कुछ केंद्र में बैठे लोगों की सुविधा सुविधा के अनुसार परिवर्तित परिभाषित होता रहता है, समझे आप? वो विशप्त गुरु पुत्र जब कभी भी अपनी खोपड़ी से रिश्ता हुआ खाप लेकर कराता हूं डर से चीखता हुआ मेरे सामने आप खड़ा होता है तो मेरे रोम रोम में इतनी धूल भयंकर बदबू घोर में अलग बदबू बह जाती है। आपने कभी अपने साथ कभी अपनी सात्विक मैं के साथ संवाद रचाया है? कभी खुश से बात की है? अगर की है तो निश्चित ही आपने भी दिग दिगार तक फैली उस नाक की बदबू को अवश्य महसूस किया होगा। लेकिन अगर आप शरीर से आगे कहीं नहीं गए तो मेरी बात मेरा दर्द शरीर आप तक पहुंचने वाला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता ऐसा। देखने में हम जरूर स्थूल मिट्टी ही मिट्टी लगते हो पर यह स्थूलता हमारे अस्तित्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है।